जावद खोर स्थित विक्रम सीमेंट प्लांट के सामने आज एक मोबाइल कंपनी के टावर पर सुबह फैक्ट्री में ही काम करने वाले पुराने लोडर विक्रम सिंह सोलंकी ने विक्रम सीमेंट प्रबंधन की तानाशाही से परेशान होकर आज टावर पर चढ़ गया। विक्रम सिंह सोलंकी सहित फैक्ट्री के कई लोडर को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा निकाल दिया गया था, जिसे लेकर काफी समय से लोडर वापस फैक्ट्री में रखे जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब शासन प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन ने नहीं सुनी तो आज विक्रम सोलंकी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। विक्रम सोलंकी की मांग है कि फैक्ट्री प्रबंधन उसे और उसके साथियों को फिर से काम पर रखे, नहीं तो वह कोई भी कदम उठा सकता है। हालांकि पुलिस व प्रशासनिक लोग मौके पर पहुंच गए हैं और वे विक्रम सिंह को समझाकर नीचे उतारने की कोशिश की गई। तो हम अगर साइन कर रहे हैं तो कोर्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, खत्म हो रहा है। उसका कागज कहाँ होगा? उससे भी बोलना, बोल रहे हैं ना, जो भी बात करेंगे हम बाहर करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। ये कह रहा है तो बात मान लो, बात से मेरी बात हो गई। उसने भी ये बोला है कि अंदर ही करना, अगर 15 दिन का कह रहे हैं तो बात नहीं, 15 दिन हम दोनों बाहर बैठ जाएंगे, 15 दिन में अंदर की बात करेंगे। 15 दिन बाद राजा इकट्ठा हुए साहब के पास, नहीं बोल रहे थे अभी 15 दिन बात नहीं तो ऐसा नहीं, यही सब के सामने बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जवाबदार सर ढाई तीन महीनों से यहाँ जो सप्लाई वाले जो लोडर हैं, बदली लोडर हैं, उनको बाहर निकाल रखा है, ड्यूटी पे ले नहीं रहे। बीच में एक समझौता हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम सभी को अंदर लेंगे। 7/21/16 का समझौता हुआ था इनका, 3 दिन उन्होंने पुल बना रखे। ये समझौता हुआ था कलेक्टर कार्यालय में, एडिशनल कलेक्टर और SP वगैरह वहाँ मौजूद थे, जावद की भी वहाँ मौजूद थे। यहाँ आने के बाद में मैनेजमेंट और श्रमिकों के बीच में कहीं ना कहीं दोबारा ऐसी कोई बात हुई कि वो समझौता कायम नहीं रह सका। फिर उसके बाद उनमें से जो रेगुलर जो लोडर थे, उनके 105 या 110 के लगभग जो संख्या है, उनको इन्होंने ड्यूटी दी और बाकी जो संख्या थी ये कितनी बजे खड़ा सुबह? ये लगभग सुबह 6 बजे, ये शायद इससे पहले। किस नाम का नाम है? विक्रम सिंह सोलंकी। तो क्या इसकी मांगे मानी जाएगी? क्या मांगे तो इनकी जायज़ है, क्योंकि करीब करीब 100 गरीब मजदूर परिवारों के छत में चढ़ाए हुए थे और लगातार मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान किया गया इनके कॉन्ट्रैक्टर वगैरह द्वारा। किस गांव का है? रामपुरा। क्या मांगे क्या इनकी? इनकी मांगे तो केवल ये है कि जो मजदूर पहले इनको करीब 15 से 20 दिन का रोजगार मिलता था पर माह, वो मिलने लग गया लगभग। अभी इनको 2 से 3 दिन का रोजगार केवल मिल रहा था, और पिछले 3 महीनों से लगातार बातचीत के बावजूद भी मैनेजमेंट और इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इनकी किसी भी मांग को मानने को तैयार नहीं।